हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। इस न्यूज़ के तहत सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम, सेना में भर्ती के लिए बड़ी पहल। दोस्तों, कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें उसके तहत सेना में 4 साल देश सेवा का मौका, इस साल 46,000 की भर्तियां। सेना में अग्निपथ योजना जो है वो मंजूर कर ली गई है। केंद्र ने सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जारी की है। जो केंद्र सरकार है उसने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का योजना जो है वो जारी की है। उसके तहत थल, जल व वायु सेना में 4 साल के लिए भर्तियाँ होंगी। इसमें सशस्त्र बलों में अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इस वर्ष 46,000 अग्निपथ वीरों की भर्तियों का लक्ष्य है। इस कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दिया है। इसमें जो है इस स्कीम को जो है कैबिनेट समिति ने मंजूरी दिया है। इसमें जो अग्निवीर में नया या अलग क्या है, ये जो अग्निवीर है इसमें नया या अलग क्या है, जो सशस्त्र बलों में अग्निवीर नाम दिया जाएगा ना, उसमें नया क्या है। उम्र सीमा 17.5 से 21 साल है। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मी और 4 साल में 6 माह प्रशिक्षण भी, मतलब जो 4 साल की जो सेवा है उसमें 6 महीने की प्रशिक्षण भी है। मतलब 6 महीने प्रशिक्षण को मिला करके ही 4 साल की जो सेवा है वो निर्धारित की गई है। अलग रैंक, वर्दी प्रतीक चिन्ह भी अलग रैंक होगा। वर्दी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी अलग होगा। इसमें क्या है कि 4 साल बाद 75% सेवा मुक्त होंगे। मतलब हर 4 साल के बाद जो है जो 75% जो आर्मी है, आर्मी के जो रिक्रूटमेंट होगी, सॉरी जो सेना में रिक्रूटमेंट होगी, वो हर साल जो सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। और 4 साल बाद 75% सेवा मुक्त होंगे, 25% को सेना में आगे बरकरार, और जो बाकी के 25% है उनको सेना में आगे बरकरार रखा जाएगा। निगम, निजी और सरकारी कंपनियां नौकरी देंगी। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे 4 साल के बाद जो वो अपना रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद जो निगम, निजी और सरकारी कंपनियां हैं उसमें जो है उनको नौकरी मिल सकेगी। और उसके बाद पहले साल वेतन 30,000 रुपये माँ होगा, 4 साल बाद मिलेंगे 11.71 लाख रुपए। यानी कि पहले साल जो उनको वेतन मिलेगा उसमें 30,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 4 साल के बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनको 11.71 लाख रुपए का जो नगद राशि वो दी जाएगी। अब इसमें इन्होंने वेतन का जो है एक वो बनाया है फॉर्मेट, इसमें जो पहले साल जो सैलरी मिलेगी उनको 30,000 रुपये और नकद जो हाथ में आएगा 21,000 रुपये, कटौती जो होगी वो 9,000 रुपये और योगदान जो होगा 9,000 रुपये। मतलब कि 9,000 रुपये जो सैनिक की जो सैलरी में से कटेगा, 9,000 रुपये जो सरकार है वो अपनी तरफ से योगदान देगी। दूसरे साल में 23,100 रुपये जो उसको नकद मिलेंगे नौजवान को, और 9,900 रुपये जो है उनकी कटौती होगी, 9,900 रुपये जो है सरकार उसमें योगदान करेगी। तीसरे साल में 36,000 रुपये जो है सैलरी होगी, उसमें 25,500 रुपये जो है नकद जो उनको सेना सैनिक को मिलेंगे, और 10,950 रुपये जो है वो कटौती होगी और योगदान में 10,950 रुपये जो है सरकार की तरफ से उसमें योगदान होगा। ठीक है, चौथे साल में 40,000 जो है सैलरी होगी और नकद जो मिलेंगे 28,000, 12,000 रुपये की जो है कटौती होगी और 12,000 रुपये का जो योगदान होगा। इसका मतलब यह है जो योगदान और कटौती है, कटने वाला पैसा कोफर्स फंड में जमा होगा। जो इनका कोफर्स फंड है उसमें जमा होगा, उतनी राशि सरकार भी जमा करेगी। जितनी राशि मतलब जो 9,999,100, 10,950, 12,000 रुपये जो राशि सैनिक की सैलरी में से कटेगी, वही सेम राशि जो है सरकार भी उसमें ऐड करेगी। ठीक है, उसमें ऐड करने के बाद जो टोटल जो पैसा जो उनको रिटायरमेंट में मिलेगा ब्याज सहित,
11.71 लाख रुपए जो है वो ब्याज सहित मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं इसका जो अलग से फॉर्मेट, अलग से यूट्यूब पे जो वीडियो है वो बना करके आपको अपडेट कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो जो है देखने के लिए मेरे चैनल को आप प्यार दीजिए, ताकि मैं, मेरे को प्रोत्साहन मिले और इसी तरह से जो वीडियो मैं बनाता रहूं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।